नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम MSMG Toolkit की सहायता से विंडो 11 को कस्टमाइज करेंगे। विंडो 11 के डिफॉल्ट इंस्टॉलर में बहुत सारी यूजफुल एप्लीकेशंस है, लेकिन यदि आपके पास पुराना कंप्यूटर है या फिर आप एक गेमर है, आपको गेम के अलावा किसी और एप्लीकेशन की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तो आप बहुत सी सिस्टम एप्लीकेशंस जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव आदि को परमानेंटली अपनी आईएसओ इमेज से ही डिलीट करके एक लाइट आईएसओ फाइल क्रिएट कर सकते हैं और अपनी खुद की टाइनी विंडो 11 बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि किन किन रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ेगी हमें इसके लिए। तो पहली जरूरत होगी हमारी विंडो 11 की आईएसओ फाइल और दूसरी MSMG Toolkit। तो विंडो 11 की आईएसओ फाइल डाउनलोड करने के लिए हम गूगल के होम पेज पर आकर राइट करेंगे विंडो 11 आईएसओ और माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर विंडो 11 की आईएसओ फाइल डाउनलोड कर लेंगे। फाइल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ फाइल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डाउनलोड बटन को क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश और कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ 64-bit डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, हमारी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम अपने ब्राउजर में msmgtoolkit.in इस वेबसाइट को खोलेंगे और डाउनलोड मेन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से टूलकिट को सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड बटन को क्लिक करके इसे भी डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ हमारी MSMG Toolkit और विंडो 11 की ISO फाइल दोनों ही डाउनलोड हो चुकी है। अब हम Toolkit को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 7-Zip या WinRAR किसी एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए हम इस वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ सर्च में टाइप करते हैं WinRAR और एंटर कर देते हैं। यहाँ से हम WinRAR 6.21 को क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और फिर क्लिक तो डाउनलोड बटन को क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होनी शुरू हो जाती है। अब हम सबसे पहले WinRAR पर डबल क्लिक करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं ताकि हम MSMG Toolkit की फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। WinRAR हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम Toolkit पर राइट क्लिक करते हैं और एक्सट्रैक्ट टू Toolkit इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, जिससे एक नए फोल्डर में Toolkit की सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर हम इस फोल्डर को ओपन करके देखें तो Toolkit की सारी फाइल्स यहां आ चुकी है। इसे हम बैक करते हैं और अपनी आईएसओ फाइल को यहां से कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद Toolkit फोल्डर को ओपन करते हैं, फिर आईएसओ फोल्डर में जाते हैं और अपनी इस इमेज को यहां पेस्ट कर देते हैं। फाइल कॉपी होने के बाद हम बैक बटन को क्लिक करते हैं और यहाँ नीचे स्टार्ट लिखा हुआ है, इस फाइल को रन कर देते हैं। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह का नजर आएगा। अब हमें एक्सेप्ट करने के लिए ए प्रेस करना है। इसके बाद कोई भी की प्रेस करना आपको Toolkit का मेन्यू दिखाई देगा, जिसमें सोर्स, इंटीग्रेट, रिमूव, कस्टमाइज, अप्लाई, टारगेट, टूल्स और क्विट ये ऑप्शन दिए हुए हैं और उनके सामने न्यूमेरिक वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे सोर्स के लिए 1, इंटीग्रेट के लिए 2 और रिमूव के लिए 3 प्रेस करना है आदि। तो सबसे पहले हम सोर्स के लिए 1 प्रेस करेंगे। तो यहाँ आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आपको 3 नंबर सेलेक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट सोर्स फ्रॉम DVD ISO इमेज, जैसे ही आप एंटर योर चॉइस में 3 प्रेस करते हैं आपको ये स्क्रीन दिखाई देती है जिस पर लिखा है एंटर द ISO इमेज फाइल नेम विदाउट .iso। तो अपनी ISO इमेज का नाम कॉपी करने के लिए फिर से हम Toolkit के ISO फोल्डर को ओपन करते हैं और यहां से अपनी विंडो 11 की ISO इमेज का नाम कॉपी कर लेते हैं और फिर से यहां एप्लीकेशन की स्क्रीन पर आकर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस करते हैं तो ये एप्लीकेशन ISO इमेज से फाइल को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। यहाँ आपको एक मैसेज भी शो हो रहा होगा कि एक्सट्रैक्शन में टेक सम टाइम, सो प्लीज वेट, इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है जो कि आपके सिस्टम की स्पीड पर डिपेंड करता है, इसलिए प्रोसेस के कंप्लीट होने का वेट करें। कुछ समय बाद आपको दिखेगा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। इसके बाद फिर से हम मेन मेन्यू में वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम Toolkit के फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ DVD फोल्डर में जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि विंडो 11 की सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ आ गई है। इसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन के मेन मेनू पर आएंगे और सोर्स में एंटर करने के लिए 1 प्रेस करेंगे। यहाँ आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे पर आपको यहाँ भी 1 प्रेस करना है। सेलेक्ट सोर्स फ्रॉम DVD फोल्डर, यहाँ आपको विंडो 11 के सभी एडिशन दिखाई देंगे। यहाँ हम विंडो 11 का प्रो वर्जन सेलेक्ट करने के लिए 6 प्रेस करेंगे। आप चाहे तो ए प्रेस करके सभी वर्जन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जितने ज्यादा वर्जन सेलेक्ट करोगे विंडो कंपोनेंट्स के रिमूव होने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। फिर आपको दिखाई देगा Do you want to mount Windows setup boot image? आपको Y प्रेस करना है। फिर आपको दिखाई देगा Do you want to mount Windows recovery image? तो फिर से आपको Y प्रेस करना है और एंटर कर देना है। विंडो इमेज माउंट होना शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस में आपका काफी समय लगेगा जो कि आपके हार्डवेयर और आपके प्रोसेसर की स्पीड पर डिपेंड करेगा, इसलिए प्रोसेस के कंप्लीट होने तक आप इंतजार करें। जब आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे दी ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप कोई भी की प्रेस करें तो आप मेन मेन्यू में फिर से आ जाएंगे।
अब हम अपनी विंडो से कंपोनेंट्स को रिमूव करेंगे, जिसके लिए हम रिमूव मेन्यू में एंटर करने के लिए 3 प्रेस करेंगे। फिर यहाँ हमें 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। विंडो कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए हम 1 प्रेस करेंगे। 1 प्रेस करने के बाद हमें 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला सिलेक्ट विंडोज कंपोनेंट्स और दूसरा स्टार्ट रिमूविंग विंडोज कंपोनेंट्स। हम पहले कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए हम 1 प्रेस करेंगे। तो आपके सामने विंडो कंपोनेंट की 8 कैटेगरीज आ जाएगी, जैसे कि इंटरनेट, मल्टीमीडिया, नेटवर्क, प्राइवेसी, रिमोटिंग, सिस्टम, सिस्टम एप्स, विंडोज एप्स। हम एक एक कैटेगरी में ऊपर से नीचे तक एंटर करेंगे और जो कंपोनेंट्स हमें रिमूव करने हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम 1 प्रेस करके इंटरनेट को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन है। आप अपने कीबोर्ड पर 1 का बटन प्रेस करके इन सभी इंटरनेट कंपोनेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, पर मुझे सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर को सेलेक्ट करना है, जिसके लिए मैं 3 प्रेस करता हूं। तो आप देखना कि जो प्लस का निशान इंटरनेट एक्सप्लोरर के सामने बना था वो माइनस में बदल जाएगा। इसका मतलब ये कंपोनेंट रिमूव होने के लिए सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद बैक जाने के लिए हम एक्स प्रेस करते हैं। हम अपनी लिस्ट में वापस आ गए हैं। अब हम मल्टीमीडिया में एंटर करने के लिए 2 का बटन प्रेस करते हैं। यहाँ भी आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको जिस भी कंपोनेंट को रिमूव करना हो आप खुद उन्हें सेलेक्ट करना। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ कंपोनेंट्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं बी प्रेस करता हूँ तो गेम एक्सप्लोरर सेलेक्ट हो जाता है और जी प्रेस करता हूँ तो स्पीच रिकॉग्निशन सेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह मैं यहाँ से कुछ कंपोनेंट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक्स बटन को प्रेस करके फिर से पिछले मेनू में वापस चला जाता हूँ। यहाँ अब हम 3 बटन प्रेस करके नेटवर्क में एंटर करते हैं। यहाँ हम 3 प्रेस करके रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट और 8 प्रेस करके वॉलेट सर्विस को सेलेक्ट करते हैं, या फिर आप चाहे तो सभी कंपोनेंट्स को 1 बटन प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए 1 बटन प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी कंपोनेंट्स के आगे माइनस का निशान आ गया है। इसका मतलब अब ये सभी कंपोनेंट्स रिमूव होने के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हम फिर से एक्स बटन प्रेस करके बैक जाते हैं और 4 बटन प्रेस करके प्राइवेसी में एंटर करते हैं। यहाँ भी बहुत से ऑप्शन है जिन्हें आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ फेस रिकॉग्निशन को सेलेक्ट करता हूँ, जिसके लिए मैं सी प्रेस करता हूँ। इसके अलावा मैं पिक्चर पासवर्ड को सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं एफ प्रेस करता हूँ। मैं लोकेशन सर्विस को भी ई प्रेस करके सेलेक्ट करता हूँ। इसी तरह कुछ और कंपोनेंट्स जो मुझे लगते हैं कि ये मेरे किसी काम नहीं आते उन्हें भी मैं सेलेक्ट करके बैक जाने के लिए एक्स प्रेस करता हूँ। अब हम 5 प्रेस करके रिमोटिंग में एंटर करते हैं। यहाँ हम ए बटन प्रेस करके सभी कंपोनेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद बैक जाके 6 प्रेस करके सिस्टम में एंटर करते हैं। यहाँ भी आपको बहुत सारे सिस्टम कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, जिन्हें आप एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको लगे कि ये आपके लिए यूजफुल नहीं है। यहाँ मैं सबसे पहले W प्रेस करके विंडोज अपडेट्स को सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं U प्रेस करता हूँ और विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स इसे सेलेक्ट करता हूँ। स्टेप रिकॉर्डर के लिए P प्रेस करता हूँ, J दबा के नैरेटर को सेलेक्ट करता हूँ, H दबा के मैग्नीफायर को सेलेक्ट करता हूँ, A दबा के एक्सेसिबिलिटी टूल्स को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ आप एक दबा के सभी कंपोनेंट्स को एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से बैक आने के लिए आपको 2 प्रेस करना है। इसके बाद आप सिस्टम एप्स में एंटर करने के लिए 7 प्रेस करेंगे। यहाँ आपको सभी सिस्टम कंपोनेंट्स की लिस्ट दिखाई देगी, जिन्हें आप बड़े ध्यान से थोड़ा टाइम लगा कर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ कुछ कंपोनेंट्स को मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं 44 नंबर कंपोनेंट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ 44 लिख के एंटर करूंगा तो वो कंपोनेंट सेलेक्ट हो जाएगा। अब से पहले हम सिर्फ नंबर प्रेस कर रहे थे, पर इस लिस्ट में आपको नंबर डाल के एंटर करना होगा, जिसे मैंने नंबर 44 और 45 को सेलेक्ट किया है। ऐसे ही आप कंपोनेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो कंपोनेंट समझ में नहीं आए उसे छोड़ दो, सेलेक्ट मत करो, या फिर उसके बारे में गूगल पर सर्च करो और यदि आपको लगे कि कंपोनेंट को रिमूव किया जा सकता है तो ही उसे रिमूव लिस्ट में डालो। एक और कंपोनेंट बायो एनरोलमेंट को सेलेक्ट करने के लिए मैं 07 लिख के एंटर करता हूँ, तो आप देखना ये भी सेलेक्ट हो गया है। अब हम फिर से एक्स बटन प्रेस करके बैक आते हैं और लास्ट कैटेगरी में एंटर करने के लिए 8 प्रेस करते हैं। यहाँ भी आपको बहुत सारे विंडो ऐप कंपोनेंट दिखाई देंगे, जिनमें से सबसे पहले मैं 05 प्रेस करके एंटर करता हूँ तो क्लिपचैम्प वीडियो एडिटर सेलेक्ट हो गया है। 07 से फैमिली और 08 से फीडबैक हब को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से आप भी अपने कंपोनेंट को सेलेक्ट कर लेना। मैं भी जल्दी से कुछ कंपोनेंट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इन सबको सेलेक्ट करने के बाद एक्स बटन को प्रेस करते हैं। बैक आने के बाद फिर से एक्स बटन को प्रेस करते हैं। अब हमने विंडो के कंपोनेंट्स को सेलेक्ट कर लिया है। अब हम 2 बटन प्रेस कर एक विंडो कंपोनेंट्स को रिमूव करेंगे, जिनको अभी हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ अब हम 2 प्रेस करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। ये एप्लीकेशन विंडो कंपोनेंट्स को रिमूव करना स्टार्ट कर देगी। इस प्रोसेस में समय कितना लगेगा ये डिपेंड करेगा कि कितने कंपोनेंट्स आपने रिमूव किए हैं और आपका सिस्टम हार्डवेयर इस प्रोसेस को पूरा करने में कितना समय लेगा। इसलिए इंतजार करें और प्रोसेस को पूरी होने दें। यहाँ आप देख सकते हैं कि विंडो कंपोनेंट्स रिमूव होने शुरू हो गए हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, ये प्रोसेस थोड़ा ज्यादा समय लेगी, इसलिए आप थोड़ा सब्र रखें, प्रोसेस को बीच में बंद न करें। मुझे भी इन्हें रिमूव करने में बहुत समय लगा है, पर मैं यहाँ वीडियो को फास्ट करके जल्दी से नेक्स्ट स्टेप पर चलता हूँ। जब आपको दिखाई दे दी ऑपरेशन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू।
तो इसका मतलब आपके कंपोनेंट्स रिमूव हो चुके हैं और ये प्रोसेस यहाँ पूरी हो गई है। तो आप कोई भी की प्रेस करें, आप अपने पिछले मेन्यू पर वापस आ जाएंगे। अब हम बैक जाने के लिए एक्स प्रेस करेंगे, इस मेनू से भी एक्स प्रेस करके बैक जाएंगे। यहाँ हम मेन मेन्यू में आ गए हैं। यहाँ हम चेंजेस को अप्लाई करने के लिए 5 प्रेस करेंगे। यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1, क्लीन अप सोर्स इमेज यूजिंग DISM क्लीन अप इमेज। नंबर 2, अप्लाई एंड सेव चेंजेस टू सोर्स इमेज। नंबर 3, डिस्कार्ड चेंजेस एंड अनवांटेड सोर्स इमेजेस। हमें ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करना है, जिसके लिए हम 2 प्रेस करते हैं। यहाँ हम सोर्स इमेज को चेंज और सेव कर रहे हैं। यदि हम ओरिजिनल फाइल को चेंज करते तो कस्टमाइजेशन में और ज्यादा समय लगता। यहाँ लिखा हुआ है, डू यू वॉन्ट टू ट्रिम अनसेलेक्टेड इमेज एडिशन। आपको येस के लिए वाई प्रेस करना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू वॉन्ट टू क्लीन अप इमेज फोल्डर। यहाँ भी आपको वाई प्रेस करना है और एंटर कर देना है। आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में पिछली सभी प्रोसेस से ज्यादा समय लगेगा। यदि आपका सिस्टम स्लो है तो आपको बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। इस बीच आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, इधर उधर घूम के आ सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कुछ भी करे, पर इस प्रोसेस को कंप्लीट होने दे। मैं आपका ज्यादा समय ना वेस्ट हो इसके लिए वीडियो की स्पीड को 6 गुना बढ़ा देता हूं, ताकि ये सब प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट होती दिखे। अब हमारी ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है। हम कोई भी की एंटर करके पिछले मेन्यू में वापस आ जाते हैं। यहाँ अब आपको टारगेट को सेलेक्ट करना है, जिसके लिए हम 6 प्रेस करते हैं। यहाँ इन सब ऑप्शंस में से आपको सबसे पहला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है, मेक ए DVD ISO इमेज, जिसके लिए हम अपने कीबोर्ड पे 1 प्रेस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, एंटर द ISO वॉल्यूम लेबल। यहाँ हम कुछ भी लेबल टाइप कर सकते हैं। ये हम टाइप करके एंटर करते हैं। अब लिखा हुआ है, एंटर द ISO फाइल नेम। अब हमें नाम टाइप करना है जिस नाम से हम नई ISO फाइल बनाना चाहते हैं। हम यहाँ टाइप कर देते हैं टाइनी विंडो 11 और एंटर कर देते हैं। यहाँ आपकी ISO इमेज क्रिएट होना शुरू हो गई है। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने का वेट करें, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ समय बाद ही आपको दिखाई देगा फिनिश्ड बिल्डिंग ए DVD ISO इमेज। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आप कोई भी की प्रेस करके मेन मेन्यू में वापस आ जाए। यहाँ आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इस एप्लीकेशन से क्विट करने के लिए एक्स प्रेस करें और टूलकिट को क्लोज कर दे। इसके बाद आप अपने डेस्कटॉप पर आके उस फोल्डर को ओपन करें जहाँ आपने टूलकिट को एक्सट्रैक्ट किया था। फिर टूलकिट के फोल्डर को ओपन करें। यहाँ आने के बाद आप ISO फोल्डर को ओपन करें। अब यहाँ आपको 2 ISO इमेज मिलेगी, एक पहले वाली और दूसरी जो अभी आपने क्रिएट की है। आप दोनों इमेज के साइज को देख सकते हैं। हमारी टाइनी विंडो 11 का साइज हमारी ओरिजिनल इमेज के साइज से लगभग 1 GB कम है। अब इस विंडो को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए इस ISO इमेज से हम एक बूटेबल USB बनाते हैं, जिसके लिए हम गूगल पर टाइप करते हैं रूफस और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसका पोर्टेबल वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके लिए हम यहां आते हैं और इस लिंक पर क्लिक करते हैं। रूफस हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो चुका है, इसे जल्दी से हम ओपन कर लेते हैं। हम इसके लिए 8 GB की USB ड्राइव यूज कर रहे हैं, जिसे ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। अब हम टूलकिट के ISO फोल्डर में चलते हैं और वहां से विंडो की ISO इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप पार्टीशन MBR और GPT में से पार्टीशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और इन ऑप्शंस में से अपनी मर्जी से सेलेक्ट करके ऑक बटन को प्रेस करते हैं। आपको वार्निंग शो होती है कि इस ड्राइव का डाटा डिलीट हो जाएगा। आप ओके प्रेस करते हैं और कुछ समय बाद आपकी बूटेबल USB ड्राइव बनके तैयार हो जाती है। अब आपकी बूटेबल USB तैयार है। आप किसी भी कंप्यूटर में USB से बूट करके इस विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपने लैपटॉप में USB को लगाएंगे, सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपने कीबोर्ड पर F8, F10, F11, जो भी आपका बूट मेन्यू हो उसे दबाएंगे और जैसे मेरे सिस्टम में बूट मेन्यू F8 से खुलता है, मैं F8 प्रेस करता हूं, बूट मेन्यू खुल गया है। अब मैं USB को सेलेक्ट करके एंटर करता हूं, विंडो की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।